हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज है आपकी 17 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम 17 सितंबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, SSC हो, UPSC की कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से डेली करंट अफेयर्स की बेहतरीन से बेहतरीन क्लास मिलेगी और साथ ही में PDF आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। तो दोस्तों, बिना किसी बकवास के हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों देखिए, आज के सेशन में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस देश के पूर्व अंपायर असद रऊफ का निधन हुआ है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़ या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि असद रऊफ जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, अंपायर थे वो एक, और उसका जो है अभी निधन हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। पाकिस्तान के बारे में कुछ बातें जाने तो देखिए, वर्ल्ड के मैप में पाकिस्तान कुछ इस तरह से दिखाई देता है। पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद है, प्रेसिडेंट अभी के अरिफ अलवी जी बने हैं और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शाहरी वहाँ के बने हैं। अभी आपको पता होगा कि पाकिस्तान जो है पूरी तरह से अभी बाढ़ के जो है मछली में आ चुका है और बाढ़ जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर पानी आ चुका है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हुई है। अभी पाकिस्तान जो है दोस्तों उसके और भारत के बीच में जो बॉर्डर है दोस्तों, है लाइन, इसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। और चाइना और भारत के बीच में जो रेखा है दोस्तों, उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है, मैकमोहन रेखा, इस तरह से याद रखिएगा। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ और भारत चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा, आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाएगा? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों आपको याद रखना होगा यहाँ पर कि कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने के लिए अभी जो है कर्नाटक सरकार एक कानून बनाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, कर्नाटक। यहाँ पर देखिए, कर्नाटक का मैप आपको दिया गया है वाला पूरा। कर्नाटक जो दोस्तों, उस राज्य की राजधानी बेंगलुरु है, मैंने आपको बहुत बार बताया और आज भी बता रहा हूँ, बेंगलुरु। SBI ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा बेंगलुरु में खुली है। कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। गाय गोद देने के लिए पुण्य कोटि दत्तु योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक ही बनाए, आपको याद रखना होगा। कर्नाटक जो है दोस्तों, यहाँ पर हम्पी शहर आया हुआ है, आपको याद रखना होगा। हम्पी जो है बहुत पुराना शहर है, हम्पी, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? मेडागास्कर, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा यहाँ पर कि राजनयिकों के परीक्षण के लिए भारत ने जो है मेडागास्कर के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होगा, मेडागास्कर। नेक्स्ट, मेडागास्कर के बारे में बात जान लीजिए, नॉलेज की बात। मेडागास्कर यहाँ पर आया हुआ छोटी सी कंट्री, देखिए पूरा राजधानी और सबसे बड़ा शहर अंतानाना रिवो है। राष्ट्रपति आंद्रे रोजिलेना और प्रधानमंत्री इजोलिना मेगलाजा है वहाँ के। 16 मार्च को मेडागास्कर की राजधानी एंटाना रिवो में महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया था, जो कि भारत में 75वें जो अभी हमारा अमृत महोत्सव मनाया गया था उसके भाग रूप में वहाँ पर जो है ग्रीन ट्रायंगल में महात्मा गांधी के नाम पर एक उद्घाटन किया गया था, तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन में 67% की वृद्धि की है? केरल, सिक्किम, कर्नाटक या फिर उत्तराखंड? तो दोस्तों आपको याद रखना होगा यहाँ पर कि राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन में 67% की वृद्धि की है, वो सिक्किम राज्य ने की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, सिक्किम। ओके, सिक्किम का मैप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला छोटा सा राज्य आपका सिक्किम है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के पास में। सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल शुरू की है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने बीबी गुरंग का निधन हो चुका है। 16 मई को सिक्किम स्थापना दिन मनाया गया था, अभी आपको याद रखना होगा ये सारी बातें यहाँ से सिक्किम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? रोहित शर्मा, शिखर धवन, रॉबिन उथप या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा रॉबिन उथप को, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। और स्पोर्ट्स से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, लेकिन आपको इसे जो है IMP हमेशा से समझना होगा, क्योंकि सरकार की किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में जाएंगे वहाँ पर आपके एक या दो क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आपके स्पोर्ट्स से आते हैं, तो इस बात को आपको जो है इग्नोर नहीं करना है यहाँ पर। नेक्स्ट,
हाल ही में मिशन अमृत सरोवर की क्रियान्वयन में कौन शीर्ष पर रहा है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सबसे शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मैप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए, नॉलेज की कुछ बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया था। 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीती थी। भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश ही होगा, तो इस बात को याद रखेगा उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग ने पहले शून्य फोरम की मेजबानी कहाँ की है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कोलकाता को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होगा। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया था। नीति आयोग जो है दोस्तों उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परमेश्वरन अय्यर जी बने, इसे याद रखिएगा। इससे पहले आपके अभिताभ कांत थे, लेकिन उन्होंने जो है अभी परमेश्वरन अय्यर जो है उनको जो है अपना पदभार दिया है, तो इस बात को याद रखिएगा। अभिताभ कांत यहाँ से इसके पहले जो है CEO आपके थे नीति आयोग के, ओके। और इसके अध्यक्ष हमेशा से आपके जो है प्राइम मिनिस्टर ये रहते, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? मैसूर, चेन्नई, दार्जिलिंग या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों याद रखिए कि दार्जिलिंग चिड़ियाघर जो है उसे सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, जो कि भारत का सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर आपका है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे FCI की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? पीयूष गोयल, अभिषेक मिश्रा, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों याद रखिए कि FCI की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में अभिषेक मिश्रा को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, इसे याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट, हाल ही में किसे रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है? पीयूष गोयल, एस जयशंकर, संदीप नायर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों याद रखिए कि रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान संदीप नायर को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। दोस्तों मेरी बात आपको ध्यान से समझ में आ रही है क्या? मेरी क्लास आपको पसंद आती है तो अपने जो है सभी दोस्तों को एक बार शेयर करना मत भूलिएगा, ओके। नेक्स्ट, हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य और सिटी ने की? अभी सूरत, उज्जैन, वाराणसी, जबलपुर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिए कि अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी सूरत ने की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, सूरत, ओके। दोस्तों आज के दिन से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके बन सकते थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका राइट ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। मैं वेट करूँगा कि कौन सा बंदा सबसे पहले जो है कमेंट आपको बताता है आपकी। हाल ही में विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं वेट करूँगा आपकी। दोस्तों आज के दिन से जितने भी करंट अफेयर्स आपके बन सकते थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। दोस्तों जिस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं उस प्रकार से आप जो है वीडियो को जो है हेल्प नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अपने सारे दोस्तों से शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।